बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब बहन भाइयों का अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैर खैरियत से हैं। अल्लाह सबको हमेशा खुश रखे, शादोआबाद रखे और ढेरों खुशियाँ दे। जो बीमार हैं अल्लाह पाक सबकी परेशानी दूर करे और सेहत तंदरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। जो परेशान है अल्लाह पाक उनकी परेशानियाँ दूर करे। तो इसी के साथ करती हूँ जी आज की वीडियो शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले सब बहन भाइयों से हमेशा की तरह मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो की तरफ। आज की वीडियो करते हैं शुरू करते हैं। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आई हुई है सिस्टर हमेरा और साथ में भाई उस्मान। तो काफ़ी दिल शील लगा हुआ है उनके लिए। जो भी सीन बनता है अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करती हूँ क्योंकि सिस्टर हमेरा ना स्पेशल आई है मैमा बिटिया को लेने के लिए। तो इसलिए मैमा भी काफ़ी खुश है। तो कभी इसे भेजा नहीं तो मेरा दिल डर रहा है लेकिन उसे डर नहीं लग रहा। तो अभी अभी जी देखते हैं क्या बनता है। साथ साथ अपने बहन भाइयों के साथ भी शेयर करूँगी। मन रही हूँ असी चाह बना लगे मेहमानों वास्ते। मामू वास्ते मजाक कर दे खाने नी। मैं परौनी नी चली निकी जी, परौनी चली है जी साडी घर। असीं हुण चलिए मैम पहली दफा चली आंटी दे नाल। सारे सारे ने काला कीतियां कहंदियां भी इन्हें नहीं रहना इत्थे, तू बगैर आज तक ही नहीं रही। मैं क्या इशा दी मैं नमाज पढ़नी है ना, ये कुड़ी ने मेरे पीछे पीछे फिर ना मैं नमाज पढ़नी ये कोल आना तो फिर इन्हें सोना। तो अज आंटी के पीछे पीछे नहीं नहीं मैमा हूँ बेटा चली हाँ। तो कोई आंटी की भी इज्जत रख ली। आंटी लैन आई स्पेशल तेनू मामू ते आंटी। चलो फिर। हाँ जी जी मैमा इस तरह अम्मी कहती सी दरम्यान बैठ के ना फिर जाए, ये ना हो पिछे डिगी हो। चलो चलो फिर हूँ मामू दी मामू दियाँ ते आंटी दियाँ गल्लां मन्नी जाई जो कहणगे ठीक है ना। चलो कर कर लोगे या करवा लोगे कुछ। अल्लाह हाफिज़। मन रहीम जी आग जला लिए, दूध बच्चों के लिए गर्म कर लिया, ये भी बच्चों के लिए इसमें गरी गरी डाल के ना वो वाला बना रही हूँ क्योंकि बच्चों को ना दोबारा सर्दी जाके एक दफ़ा बर्फ आने की वजह से ना काफ़ी सर्दी बारिश में हो गई है। फिर तो बच्चों का ज़ुकाम बुखार काफ़ी ज़्यादा, तो इसलिए मेडिसन से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो अभी मैंने गरीब वाला दूध मैंने कहा समीर और कबीर को बना के दिया। तो वो मैमा तो अपनी आंटी के पास चले गई है तो खुद भी पीती हूँ तो बच्चों को भी देती हूँ। आग शाग जला ली है, बिजली 2:30 बजे आई है। तो अभी जी इतना दूध में धुआँ ना चले जाए तो इसलिए आगे पीछे कर रही हूँ। तो अभी जी ये दूध पहले उबालती हूँ अच्छी तरह काट के ना फिर देती हूँ। असर की अजान हो चुकी है, होनी शुरू हो गई है। कैमरा बंद करती हूँ और साथ साथ पहले अजान सुनती हूँ, दूध काटती हूँ, फिर नमाज़ पढ़ूँगी। तो छत में चलती हूँ, छत से ना चारपाई पड़ी है धूम में क्योंकि कबीर को भी बुखार था तो बिस्तर ला के वो चारपाई पर मैंने रख दिया। तो अभी छत से ले कर आनी है चारपाई और कुछ कपड़े। कबीर का एक सूट था धोने वाला वो धोया है। कबीर इधर अपना काम करता रहा है, अभी ये भी जाकर चूल्हे में डालती हूँ। कबीर का सूट डाल वो दीवार के ऊपर डाल दिया कि जल्दी सूख जाए। तो अभी ये चारपाई नीचे लेके चलती हूँ। ये बारिश आने की वजह से एलोवेरा काफ़ी माशाल्लाह जी नए नए और निकल रहे हैं। बाकी ये पहले वाला भी ठीक हो गया है।
ये देखो पालक बारिश की वजह से कितनी माशाल्लाह फिर प्यारी हो गई। ये वाली भी और ये वाली, ये मेथी और धनिया सर सूख रहा है। ये दूसरा को उबाला आ चुका है, अब अच्छी तरह कर जो ऊपर रखा हुआ है। साथ में जी बच्चे लेके आए हैं बेर, ये सौ बेर जिसे कहते हैं पेंदू बेर, तो सौ बेर वो भले हैं, तो अभी ईद रखे हुए हैं तो बाद में खाएंगे, पहले दूध ना अच्छी तरह और ऊपर पड़ा रहे। तो अज़ान हो चुकी है तो अभी पढ़ती हूँ नमाज, तो बाद में बच्चे भी बाहर खेल रहे हैं उनको बुला के फिर पी लेंगे। अब पढ़ रही थी तो कबीर बेटे को कहा, मैंने कहा आटा वगैरह हर चीज़ बाहर निकाल के रखो, कबीर ने बाहर निकाल के रखी अभी। तो ये आलू गोभी, ये आलू गोभी नहीं सॉरी आलू पालक पड़ी है, ये कहते पराठे में डाल के ना रोटी में, तो ये बना के दो मम्मा जी। तो अभी कबीर कह रहा है मम्मा जी मैं आपको बारीक बारीक आलू ना पीस के देता हूँ, तो अभी लगा हुआ है देखिए पीसे जाते हैं इससे या नहीं, बाकी फिर मैं करूँगी। पहले ये अपना एक दफ़ा खुश हो ले कि मैं कर के दे सकता हूँ। देखिए पराठे वास्ते बिल्कुल बारीक बारीक करना, बिल्कुल लाइट भी चले गई फिर अंदर पकाने पैन फिर। अच्छा अहम जी पराठे भी साढ़े तैयार हो गए, तो हाँ रोटी एक ज़्यादा तो देसी मक्खन सॉरी घर का फ्रैश फ्रैश मक्खन, तो समीर कबीर खा रहा, तो समीर बेटा अभी कुरान पाक की तिलावत कर रहा, तो ओले भी बन गए, तो हूँ असं बैठ के खाते हैं। कबीर मजेदार बेटा है, चलो खा लो फिर। ये जी लाइट आई थी बाहर बनाने लगी सी, तो लाइट फिर चले गई, तो इस वास्ते फिर सानू अंदर ही बनाना पिया हूँ सिलेंडर से। मेरे रमन निराहिम जी खाना शाना खा लिया है, मगर अपनी नमाज भी पढ़ लगी, तस्बीह कर रही थी बैठी, क्योंकि बर्तन अजे मेरे धोने वाले पे है, तो लाइट चले गई सी, लाइट आ गई कि शुक्र अल्लाह पाक दा लख लख दफ़ा के लाइट आ गई। अगर लाइट ना हो तो इस तरह नुकसान होंगे कि जिस तरह पता नहीं कई चीज़ नुकसान की गुम गई है कोई कम, क्योंकि शाम नेरा हो जाता, तो इस वास्ते कोई चीज़ नज़र भी नहीं आती। तो बर्तन धोने वाले, तो अज साडा ना काफ़ी दिल परेशान हो गया, कबूतर के दो बच्चे सी, एक अगले दिन मर गया सी, एक अज मर गया, तो इस वास्ते काफ़ी दिल परेशान हो गया, क्योंकि समीर बेटे ने रखे बड़े शौक दे नाल, ते इस वास्ते अपनी सर्दी सी ठंड सी जी कि वजह तो वह दोनों मर गए, तो हूँ चुप करके बच्चे टीवी ला के देख रहे, तो समीर बार बार आ जाता मम्मा मैं इन्हें शौक ना रखे से तो मेरे कबूतर के बच्चे ना दोनों मर गए। तो इस वास्ते बैठी सोचती सी कि अल्लाह पाक वो तो बेजबान सी, उन्होंने नहीं सी माना इन्ने प्यारे लगते छोटे छोटे बच्चे ना, तो कबूतर भी कबूतरी कबूतर दोनों फिरते बड़े अच्छे लगते, वाइट कलर वैसे भी उन्होंने हाथ सोहने लगते सके। चलो जी जो अल्लाह ने मंजूर वही होना सी, तो हूँ तस्बीह कर ली, मैं तस्बीह रख दी हूँ सिस्टर हमैराना तो मेहमाना तो भाई अली ना गल करके हटी हैं, तो नाल तस्बीह की है, तो हूँ बर्तन धोदी किचन के बैठी हैं, तो चाय पीनी है, तो गरी वाला दुध भी गर्म किया क्योंकि बच्चे खेडन गए थे, कबीर ने पी लिया तो समीर रहा वह भी दिदी उन्होंने, तो बर्तन धो के फिर उन्नी देर ईशा की अजान हो जाएगी, नमाज पढ़ा तो फिर अजे होर काम जरा करने वाला हो करके तो सो जाएंगे। तो मेहमान की याद आ रही थी इस वास्ते उन्हें गल कर ली, क्योंकि भाई अली भी काफ़ी खुश है, तो सिस्टर मैं भी अल्लाह पाक जी उन्होंने भी बच्चे दे उन्होंने भी झोलियाँ भरे अल्लाह पाक अल्लाह के घर अल्लाह के भरे खजाने किसी चीज़ की जर थोड़ नहीं उ। चलो जी अल्लाह इसी सदके साड़ी तेई दुआ के अल्लाह पाक अपने बच्चे दे भाई अली ने ते सिस्टर मेरा ये नाल जी वीडियो का एंड कर दिए सी साड़ी आज की वीडियो, जिन्हें भैन भरावान पसंद आए साड़ी वीडियो लाइक तो शेयर करियो, हो सके तो सिस्टर मेरा वास्ते तो भाई अली वास्ते दुआ करो कि अल्लाह उन्होंने भी बच्चे दे इस वास्ते अल्लाह उन्होंने विचोलियाँ भरे जी सब दियाँ भरे बे जे बे औलाद अल्लाह पाक सबनों औलाद दे, तो खुश रहो आबाद रहो हमेशा हंसते मुस्कुराते रहो अपनी फैमिली के साथ अपने बच्चों के साथ इसी के साथ अपने बहन भाइयों से इजाज़त रहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।